आता 2 मिनट में आता हूँ. कुछ नहीं है, ये देखो क्या कर रहा है. अबे बहुत ही खतरनाक बाबा. ये हटा देता हूँ मैं, तो मेरे खास से लेके ही जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं. हाँ है ना, हाँ अभी बार बार उधर ही आएगा. देखो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग चालू हो चुकी है यहाँ पे. अच्छे अच्छे बहुत छोटे रील्स भी बनाए, एक दो मज़ेदार रील्स है. शायद से इंस्टा पे अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा देखते. और बारिश चालू हुई है, इसकी वजह से कोई अच्छी ऐसी जगह ढूंढ रहे जहाँ छुप सके, सर बचा सके अपना. पता नहीं क्या उड़ के आया, एकदम जोर से लोखंड का था, पैर किस पे लगा, घेर पे लगा, मतलब किसी ट्रक का गिरा हुआ रहेगा पता नहीं, पर बहुत ही हैवी था वो यार. बहुत अंदर तलक फील हुआ, पैर अंगूठे में लगा भी लगता है थोड़ा बहुत. बाप रे, बहुत ही कतही जहर फॉग है, कतही जहर. जैसे जैसे आगे जा रहे मानसज घाट की तरह फॉग बढ़ते जा रहा है. ये देखो आगे दिख भी नहीं रहे. Oh my God. अबे बहुत सारे राइडर दिख रहे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बाइक भी थी, एक दो GST 1250 बाइक का साथ है या डुकाटी स्क्रैम्बला. आगे लगता चेक पोस्ट है, लगा तो पुलिस का बॉडी है, बाकी चेक पोस्ट नहीं था. अरे बाबा क्यों कर रहा है तू, पूरा पानी पीछे उड़ा रहा है. जा बाबा जा. एक तो शॉर्ट रोड है, इसमें ये लोग ओवर स्पीडिंग करनी है, देख रहे हो. तू जीत गया रे, तू जीत गया. जा, टाइम इज 8 AM एंड वी आर क्रॉसिंग 1 टोल पटकर नाका टोल प्लाजा. पटकर नाका टोल प्लाजा करके है, इसके आगे जाके देखते हैं क्या सीनरी, क्या व्यू, क्या मिलता है, क्या नाकाबंदी. मेन कारण है कि पुलिस चेक पोस्ट न मिले, अगर वो मिला तो वहीं पे रिटर्न जाना पड़ेगा जहाँ पहले थे. अरे बाप रे बहुत गंद, पीछे जो फेंक रही है ना गंदा एकदम मिट्टी, बाप रे. सो यहाँ पे एक ट्रैक है, मलावली ट्रैक. यहाँ से ऑन रूट हुआ उस साइड जाने के लिए, विसापुर के लिए. देखते ऊपर जाके अभी. ओ ये नाइस लोकेशन. ये लगता है कोई एक्सप्रेस वे, पुणे एक्सप्रेस वे होगा. मैं तो पहुँच गए, यहाँ पे एक झरना भी है, वो ऊपर से आ रहा है. पब्लिक तो है यहाँ पे. ओ वाह वाह वाह, कितनी जोर की आ रही है. देखो इस साइड देखो, ये देखो पूरा वायर हिल रहा है, देखना. बहुत ही खतरनाक विंड आ रहा है, बहुत ही खतरनाक. पब्लिक जो बाइक और कार है वहाँ पे पार्क करके जा रही थी, पर हम लोग लेके जा रहे आगे. रूट नहीं है बढ़िया, बहुत शॉर्ट रूट था यार.
बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आजू बाजू जंगल ही जंगल। अभी आगे जाके देखते हैं, मुझे लगता है ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे बाइक लेके जाना अलाउड नहीं रहेगा शायद से, बाकी तो देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे भी वाटरफॉल ही लगता है, ओह मैन, वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, यहाँ पे भी वाटरफॉल है। हाँ हाँ, ऐसा रोड है, बहुत ही सुंदर है, देखो ये लगता है कहीं शिमला साइड आ गया ऐसा लग रहा है, पूरा वही लोकेशन है पूरा। अच्छा है, 4 किलोमीटर है, मज़ा आएगा थोड़ा चलाने में भी। ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ये तो पहाड़ पूरा, वो देखो वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। हम लोग कौन से साइड जा रहे कुछ नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम फैजुबा बॉम्बे ऐसा है, हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे इधर। अभी झाड़ में घुस जाता था, बहुत ही शॉर्ट रूट है, बहुत ही शॉर्ट। देख रहे हो, अरे बाबा बाबा बाबा, यहाँ पे अटक गए क्या? अरे बाप रे, कार अटक गई है यहाँ पे। पीक एंड पॉइंट का खतरनाक हवा लग रही है जो, ये देखो यहाँ देखो, पता चल जाएगा आपको। अगर मैं गाड़ी न्यूटन में छोड़ दूंगा ना, अपना आगे जाके गिर जाएगी ऐसा लग रहा है, देख के पूरा आगे फेंक रही पूरा, बहुत ही खतरनाक विंड है यार। ऊपर देखो पता चलेगा। सो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ऊपर जाने का रास्ता है, सो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, भी देखते कहाँ तक जा पाते, उम्मीद तो है साली 20 मिनट चलेंगे 1 घंटे में से, तो देखते हैं अभी। लाइक लोकेशन कहाँ गया, अरे वो पहाड़ कहाँ गया, छुप गया वो, देख के छुप गया। ये झाड़ आ गया बीच में, सिलेने दिख रहा, अरे रात में चालू नहीं होता, सुबह में चालू हो रहा है, देख रहा है। बहुत ही गंदा है यार, जमीन में घुस जा रहा है बाबा। सब हाथ में आ जाए हालत, पूरी मिट्टी में चल चल के। तो यहाँ से पता ट्रैक स्टार्ट हो जाता है किला जाने के लिए ऊपर, आपको बोला था जाना, बहुत ही शॉर्ट रूट है, संभाल संभाल के जाना है। अब थोड़ा चढ़ोगे और सांस फूलने लगेगी, पर अभी का जो वातावरण ऐसा है कि सांस नहीं फूलेगी, क्लाइमेट ऐसा है एकदम चिल, ठंडा मीठा क्लाइमेट है। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक है जैसे पुराने जमाने का, ये बहुत गहरा है बाबा, बहुत थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा क्योंकि खाली वाटरफॉल ही नहीं है, यहाँ से पैर भी आपका फिसल सकता है। चलो बाबा चल, इतना 4 पत्थर, 1 2 3 4। सो वी आर रीच एट द टॉप
अभी फुट फाइनली वी आर एट द टॉप ऑफ विसापुर फोर्ट। जो कंडीशन हो गया बहुत ही ख़तरनाक हो गया है, फॉग बढ़ते ही जा रही है, पता नहीं कब लग रहेगी। सो अभी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे, बैठेंगे एक दो घंटा और टाइम हो गया है पूरे दस एग्जैक्ट दस। सी भरोसा लगा अपने बाहर पे, अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, थोड़े पर्स लाए थे नीचे से और कैंडबरी थोड़े बहुत चॉकलेट खाते फिर जाते नीचे। और ऊपर थोड़ा सा रास्ता है पर जाने की इच्छा नहीं कर रही है क्योंकि और मेरा पैर बहुत ख़तरनाक दुख रहा है और उतरना भी है और उतना वापस चलना भी है, तो सोच रहे अभी मतलब ये एट एंड पॉइंट है ऊपर का, उसके ऊपर थोड़ा सा है मतलब थोड़ा और ऊपर चले जाओगे बस यहाँ तक, तो वो नहीं जा रहे बस यहाँ पर एंड कर रहे हैं एंड। ले पुदीना सो फाइनली रिटर्न नीचे आ गए। यहाँ से स्टार्टिंग की थी विसापुर किला, तो पूरी पैर की हालत खराब हुई, चलने की हालत में नहीं हूँ, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते क्योंकि यहाँ से और मिट्टी वाला जो रास्ता है वो अभी आने वाला है, तो वो कंप्लीट करके सीधा बाइक के बैठ के खाते कुछ नाश्ता या फिर कुछ करते, शाम का खाना दोपहर का खाना खाते और निकलते घर की। तो फाइनली अभी जा रहे रिटर्न टूवर्ड्स लोना वाला, यार पूरी हालत ख़राब हो गई कि अभी तक ये रोड दे हो गए थे यहाँ के रोड, या रोड तो है ही नहीं, कीचड़ में चल रहे और वहाँ तक झाके ही आया, आखिर झाके ही है, हार नहीं मानी। अभी फ़िलहाल में एक्सीडेंट हुआ था इसके लिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, नहीं तो इससे तो जाना ही था, पर एक्सीडेंट हुआ उसके कारण वो उंगली भी सूज गया, अभी भी पैर सूजा हुआ है मेरा, पर ठीक है रिकवर हो जाएगा। अरे हाल देखो पूरा कीचड़ उड़ा डालिया इसने अबे चढ़ेगी चढ़ती नहीं थी, अगर धक्का नहीं देता था तो हाँ पागल ये बाप ठीक है कोई बात नहीं धुल जाएगा तो बारिश आएगा तो। ये सुंदर नज़ारा है यार इस साइड देखो, लाइक बॉक्स 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 उसके अंदर छोटे छोटे घर है, लाइन से पूरे लाइन से, और ये कर बाप रे बहुत ही खतरनाक। तो अभी सीन ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे रुके इसलिए क्योंकि इसका जो हेलमेट है एरो का ऑलमोस्ट कॉस्ट होता है 20,000 का, तो वो ऊपर ही भूल गए थे, तो अभी पता चला जब आगे नाकाबंदी मिली तो फटाफट गया जाके लेके आया, मतलब बाई चांस कुछ नहीं मिले पूरा दिन ख़राब हो जाता था। ये ऑन द रूट है पुणे में, मैंने कहा था कि चेक पोस्ट लगे हुए ही रहते, तो इस साइड में पूरे चेक पोस्ट ही लगे हुए और कुछ हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा, और यहाँ से गाड़ी ये लोग घुमा रहे पीछे चेक पोस्ट लगा हुआ किसको जाने नहीं मिल रहा है। ठीक है निकल के नियर बाय लोकेशन से जा रहे थे लोनावाला से, तो यहाँ की एक स्पेशल चीज़ है सिंपल स्पेशल मिशल बकरी, तो यहाँ पे स्पेशल लिया, तो इसमें जो ये प्लेट है ये पूरी मिट्टी की है, इसमें जलेबी है गुल की गुल ये स्पेशल मिक्सचर पापड़ और पापड़। भाई इसमें जो डिफ़िकल्टीज आई वहाँ पे आई, जो मेरे पैर का लास्ट उंगली था वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्टीज आई, लाइक वो जो उंगली थी बहुत पेन की, घर पे अभी बहुत पेन किया मेरे को, पर क्या करें इस बार जो मेरे को ब्लॉग कम्प्लीट करना ही था एंड तक जाना ही था क्योंकि हर बार ब्लॉग अधूरा रह जाता है, इस बार मैंने सोचा कि करना ही हो, मेरे फ्रेंड ने मेरे को और मोटिवेट किया इसमें, थैंक यू सुमित, और हो गया कंप्लीट हो गया फाइनली।
और अभी ब्लॉग एडिट करने बैठा हूँ, देखते कब तक हो जाता है। जल्दी से जल्द कर दूँगा, जब ब्लॉग एडिट करने बैठता हूँ तब आती है बर्फ। बर टाइम पे नहीं, जैसे ही ब्लॉग एडिट करने बैठा थोड़ा पार्ट एडिट हुआ, पर इस बार सब अच्छे से करना है। सो पार्ट टू भी करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने सोचा थोड़ी सी नसीब ख़राब चल रही है, वैसे अभी फिलहाल एक एक्सीडेंट हुआ तो बाई चांस गोपरे में भी पानी घुस सकता था, तो इसके लिए रिस्क नहीं लिया। ये ब्लॉग को भी करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए सफ़र में। बाय बाय।